नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी पढ़ेंगे। चतुर्थी में विषय हिंदी है और क्रमांक एक है। संज्ञा हमारा है, संज्ञा। संज्ञा व्याकरण से संबंध रखता है, यानी व्याकरण जो हिंदी रचना की हमारी किताब है उसमें इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यहाँ पर हम उसको सामान्य परिभाषित करेंगे, सामान्य रूप से समझेंगे संज्ञा क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि संज्ञा, संज्ञा अर्थात इन दोनों नंगी आंखों से जो भी हमें दिखता है, हमारे सामने जो भी दिखता है वह सारे शब्द, वह सभी संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर हम वाक्यों में समझेंगे, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर पांच वाक्य मैंने लिखे हैं। सुरेश जयपुर गया, खरगोश जंगल में रहता है, नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, मेरे गांव में एक डॉक्टर है। यहाँ पर पहला वाक्य सुरेश, जो मोटे मोटे मिले हैं, यहाँ पर नीचे जिन शब्दों के नीचे सीरो रेखा है, जो मोटी सी रेखा बनाई है, इससे आपको समझ में आएगा सुरेश संज्ञा है, जयपुर एक संज्ञा है, शहर है, सुरेश एक व्यक्ति है, खरगोश एक प्राणी है, जंगल एक स्थान है। तो ये जो मोटे अक्षर में बताया गया है, खरगोश जंगल, ये क्या है? संज्ञा। यहाँ पर तीसरे वाक्य में देखते हैं, नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। नेपाल और भारत ये दोनों देश हैं और ये भी संज्ञा को परिभाषित करते हैं। मेरे गांव में एक डॉक्टर है, गांव शब्द डॉक्टर शब्द दोनों ही शब्द संज्ञा को परिभाषित करते हैं, संज्ञा को इंगित करते हैं। मित्रता में भेदभाव नहीं होता। अब ये मित्रता शब्द ये भी संज्ञा को ही इंगित करता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसे मैं एक बताऊँ आपको उदाहरण के लेकर, ये दोनों प्राणी हैं, ये दोनों संज्ञा ही, हाथी है, बैल है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और भी वस्तु है मेरे पास, जैसे डमरू है तो ये भी संज्ञा है, गेंद है मेरे पास ये भी संज्ञा है, कुछ चित्र है मेरे पास, जैसे एक महिला है तो ये भी संज्ञा है, क्षत्रिय है ये भी आपको ज्ञान में आगा वस्तु है और एक संज्ञा है, कुछ मूर्तियाँ है मेरे पास जो भगवान की मूर्ति है, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति है ये भी संज्ञा है, माँ सरस्वती की मूर्ति है ये भी संज्ञा है। इसको सब है जो हमें दिखता है अर्थात वो सारी संज्ञा कहलाती है। इन्हें मोटे, देखो आगे उपयुक्त वाक्य में मोटे शब्द विशेष व्यक्तियों को बताते हैं, जैसे सुरेश है विशेष व्यक्ति है, स्थानों को बताते हैं, जैसे जयपुर एक स्थान है, नेपाल है, भारत है ये स्थान है, प्राणियों को जैसे खरगोश है, भावों को इंगित करते हैं जैसे मित्रता है, तो ऐसे सभी को हम क्या कहते हैं? आदि के नाम है, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि जो भी शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द जो हमें नंगी आंखों से दिखते हैं, बहुत सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। बड़ी कक्षा में इसको पांच रूपों में बताया गया है, लेकिन यहाँ हम चतुर्थी में पढ़े हैं तो तीन भेद समझेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीन भेद है। अब पहला भेद हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखते हैं किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोल, यानी खास विशेष मुख्य रूप से उनका जो बोध करने वाले हैं वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, लाल किला दिल्ली में स्थित है। देखिए लाल किला देश की राजधानी दिल्ली में है और बहुत बड़ी जगह है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री संबोधन देते हैं, तो यह एक बड़ा स्थान है, विशेष स्थान है। दिल्ली देश की राजधानी है, यह भी बड़ा स्थान है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय नेता है, देश के प्रधानमंत्री है तो बड़े नेता है और प्रिय नेता भी होंगे, तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। कोलकाता मुंबई भारत के सुप्रसिद्ध नगर है। अब कोलकाता बहुत बड़ा शहर है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, बड़े शहर है ये, तो निश्चित तौर पर यह विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये हम निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थान का बोध करते हैं और विशेष स्थान का बोध करते हैं, इसीलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
दूसरी अरेगा देखो उपयुक्त वाक्यों में जिसके नीचे लाल किला है दिल्ली है बहुत अच्छे से लाइन खींची हुई है, तो यह जैसे उपयुक्त वाक्य में लाल किला दिल्ली नरेंद्र मोदी कोलकाता मुंबई ये सारे व्यक्तियों से संज्ञा है। आगे बढ़ते हम तो दूसरा अष्टक रूप है दूसरी संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्रकार एक होना चाहिए, जैसे फल एक प्रकार है, फूल एक प्रकार है, प्राणी एक प्रकार है, अब जानवर एक प्रकार है, मनुष्य एक प्रकार है, तो इस प्रकार एक ही प्रकार के स्थानों का भी बोध हो, वस्तुओं का एक प्रकार का बोध हो और प्राणियों का बोध एक ही प्रकार का होना चाहिए, तो उन्हें समूह को यानी उस को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए है, छत पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी शब्द है जैसे तो पक्षी बहुत सारे होते हैं इस प्रकार के, तो एक ही जाति का है। नगर में आतंकवादी घुसा है, नगर बहुत सारे नगर होते हैं, नगर एक जाति है, आतंकवादी एक जाति है, कभी आतंकवादी अनेक प्रकार के होते हैं, मनुष्य सभी समान है, मनुष्य एक जाति है, तो इस प्रकार के शब्दों से हमें यह परिभाषित होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं उपयुक्त जो वाक्य बड़े छत है, पक्षी है, नगर है, आतंकवादी है, मनुष्य है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ये जातिवाचक के सूचक है। तीसरा जो इसका रूप है संज्ञा का, इसके प्रकार है, भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, दशा, भाव आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार की जो उसका भाव प्रकट होता है यहाँ पर, तो वह भाववाचक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आम में मिठास होती है, हम सबने आम खाए हैं, मीठा रस होता है, तो मिठास शब्द है यह भाव को प्रकट कर रहा है, यानी आम के उसमें मिठास होती है, ये बात इंगित कर रहा है। हरियाली जो अभी बारिश के बाद हरियाली होगी, तो हरियाली सभी को अच्छी लगती है, यहाँ पर हरियाली शब्द है वो भाव को प्रकट करी है। बचपन चिंता रहित होता है, बचपन जो छोटे बालक होते हैं तो उनको कोई चिंता होती नहीं है, यहाँ पर तो यहाँ पर बचपन शब्द है, मित्रता सर्वश्रेष्ठता है, यहाँ पर मित्रता शब्द है, ये सारे शब्द भाव को प्रकट करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मिठास, हरियाली, बचपन, मित्रता, भाव ऐसे संज्ञा शब्द है, ये बात पहले भी बता दी। अब इसी में हम देखते हैं कि जो कक्षा चतुर्थी के पाठ्यक्रम में भी होगा कि उपयुक्त वाक्य में ये बात तो हमने बता दी, जाति वाचक संज्ञा से भाव वाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो ये जब पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जाति वाचक संज्ञा क्या है और भाव वाचक कैसे बनते हैं। जैसे बच्चा ये एक जाति है, बच्चा अनेक प्रकार बच्चे होते हैं, इसको भाववाचक में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं तो बचपन हो जाएगा। भाई अनेक प्रकार के भाई हो सकते हैं, हमारे बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हैं भाईचारा। इसी तरह देव, अनेक देव है, हनुमान जी है, शिव जी है, तो अनेक प्रकार देव, सारे देव, इसको हम जब भाववाचक में परिवर्तन करते हैं तो देवत्व, यानी देव एक जाति है। भक्त, अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, कोई पितृ भक्त, कोई स्वामी भक्त, कोई माता भक्त, यानी अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, इसको हम भाववाचक में परिवर्तन करते हैं भक्ति हो जाएगा शब्द। कवि तो कवित्व था, यह आज का हमारा था संज्ञा, आपको निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। इसके पाठ्य इस पाठ के संबंध में एक गृह कार्य भी आपको करना है कॉपियों में। गृह कार्य क्रमांक एक है, प्रश्न एक है, संज्ञा किसे कहते हैं। पूर्व में बताया मैंने आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, अभी पढ़ेगी तो समझ में आया होगा आपको। प्रश्न दूसरा है, संज्ञा के भेद लिखिए। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा के पांच उदाहरण बताइए। ये पांच उदाहरण लिखे हैं, तो यहाँ पर मैंने पांच लिखे हैं, ये लेकिन ये कहे नहीं लिखने, आपको दूसरे इसी प्रकार के आपको बना के लिखने हैं, लिख सकते हैं आप आराम से। और प्रश्न अंतिम है चौथा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो।
अभी मैंने बनाए हैं, ये जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष रूप आकार दशा भाव आदि का बोलता हो उसे भाव संज्ञा कहते हैं। तो ये आज का लेसन था, पाठ था जो आपको समझाया, इसको कॉपी में ठीक से करना, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।